अब आपको तो पता है कि मैं गिनी चुनी फिल्म देखता हूँ और जो मुझे पसंद आती है मैं उसी का रिव्यू करता हूँ। वैसे ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म रहतु का राज Z5 पर रिलीज हो गई है और मुझे पसंद भी आ गई है। कहानी एक गांव रहतु की बेली की है जहां पर एक ब्लाइंड स्कूल में वार्डन की डेथ हो जाती है। सेवाधाम स्कूल है ना, वहां भले किसी की मौत हो गई है। मौत है? और पुलिस उसकी नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करती है बिकॉज इट लुक्स लाइक अ नेचुरल डेथ। हमारे यहाँ मरती है, मारी नहीं जाती, और वैसे भी 15 सालों में रहतु की बेली में कोई मर्डर हुआ है क्या? बट एंट्री होती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। जिसके आने के बाद ये नेचुरल डेथ दिखने वाली कहानी कैसे मिस्टीरियस डेथ निकलती है और क्या क्या होता है और कौन कौन शामिल है इसके पीछे, वो सब एक अलग ही सस्पेंस क्रिएट करता है फिल्म में। चल लो, तुम क्या करोगे तुम मेरा? क्योंकि तू नंबर वन सस्पेक्ट है इस केस में, राम राम जपना शुरू कर दे। फिल्म का इन्वेस्टिगेशन देखने में मजा आता है और क्लाइमेक्स तक आपको देखने पे मजबूर कर देती है ये फिल्म, और क्लाइमेक्स आपको इजीली शॉक कर देता है। ये फिल्म बाकी दूसरे मर्डर मिस्टीरियस से थोड़ा सा हटके है क्योंकि आपको काफी मजा आने वाला है। किस्तों में ना तो मुझे खर्चा करना पसंद है और ना ही कहानी सुनना, सीधे सीधे बता। नवाजुद्दीन के परफॉर्मेंस के कारण फिल्म एक अच्छी पकड़ बनाए रखती है और नवाज एज अ पुलिस इंस्पेक्टर दीपक नेगी लुक्स ग्रेट। दशहरे की रात को गया था साहब, कहाँ डिस्क पुराने साहब? डिस्क नहीं, डिस्क। बाकी ये कास्ट का भी काम एकदम मस्त है, स्पेशली पुलिस की जो टीम रहती है वो हंसी मजाक करती है और इन्वेस्टिगेशन को एक अलग लेवल पे लेके जाती है, और ब्लाइंड स्कूल के जो लोग थे वर्कर वगैरह उनका भी काम एकदम देखने लायक है। फिल्म का BGM और गाना अच्छा है जो फिल्म के सीरियसनेस और कॉमेडी को अच्छा सपोर्ट दिया है। अब ये इतनी बढ़िया फिल्म है कि आप अपने परिवार के साथ आराम से बैठ के देख सकते हो। ओवरऑल फिल्म की बात करें तो अगर आप सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म की तलाश में हो, मेडिकल वाले बोल रहे हैं कारण पता करने में टाइम लगेगा, तो रहतु का राज आपके लिए आ गया है Z5 पे, जिसे आप आराम से देख के एंजॉय कर सकते हो क्योंकि थिएटर जाने का आपको कष्ट नहीं मिलेगा, घर बैठे आपको एक मजा मिल जाएगा। फिल्म के लोकेशन और सेट्स की बात करें तो काफी फ्रेश नजर आता है, जिसे देखने के बाद आप पूरी फिल्म को देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आएगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और आपका जो भी डिमांड रहेगा प्लीज कमेंट में बताओ, उस पर भी रिएक्शन रिव्यू आ जाएगा। मिलते अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।